आज हम डिस्कस करेंगे एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू वन क्यों होता है। ये जो जीरो है इसका खेल बड़ा निराला है और जीरो सबसे बड़ा हीरो है। तो इससे रिलेटेड हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो में इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। तो आज हम जानने का कोशिश करेंगे ये होता क्यों है, क्या एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू वन होगा, कब होगा, जब एक्स जीरो ना हो। हाँ, लेकिन एक्स जब जीरो होगा तब क्यों होगा, वो भी हम आने वाले समय में ही वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, इसको प्रूव करते हैं एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू वन क्यों होता है। यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो दोनों के पावर में सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम दोनों का पावर में ए रख दिए, यानी एक्स टू दी पावर ए इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर ए, हम ये भी लिख सकते हैं। या आप ऐसे समझिए एक्स इक्वल्स एक्स और दोनों के होल पावर में ए ले लिए, यानी एक्स टू दी पावर ए इक्वल्स एक्स टू दी पावर ए। हमें पता है कि यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो वन है, क्या तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच गया वन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक के नियम से इसे क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो ए में से ए घटेगा, जीरो इज इक्वल टू वन, यही हमें प्रूव करना था। इसे और एक और मेथड से हम जानने का कोशिश करते हैं, ये तो प्रूव मेथड हो गया, एक हम लॉजिकल ट्रेंड से जानने का कोशिश करते हैं, एक हम ट्रेंड बनाते हैं, उस ट्रेंड से हमें पता चल जाएगा, लॉजिक से पता चल जाएगा कि एक्स का पावर या कोई भी चीज़ का पावर, किसी भी टर्म का पावर जीरो हो एक्सेप्ट जीरो तो उसका वैल्यू वन होगा। हाँ, लेकिन जीरो का पावर जीरो होगा तब क्या होगा, आने वाले समय में बहुत जल्द हम इस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ देखिए कि हम ट्रेंड बनाते हैं, हमें ये पता करना है कि टू टू दी पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा। हमें ये पता है टू का पावर वन का वैल्यू टू, टू का पावर टू का वैल्यू फोर, टू का पावर थ्री का वैल्यू एट, टू का पावर फोर का वैल्यू सिक्सटीन, ऐसे ही टू का पावर टू टू दी पावर फोर इज इक्वल टू थर्टी टू एंड सो ऑन। ये तो अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा अगर हम इस पर विचार करें तो अगर हम इस रिवर्स चलेंगे, रिवर्स चलना चाहेंगे तो 32 से अगर हमें 16 पे जाना है, 32 से अगर हमें 16 लाना है तो इसमें डिवाइड देना होगा 2 से। जैसे हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे 16 आ जाएगा, रिवर्स हम जा रहे हैं, हम उल्टा। अगर हम 16 से 8 पे जाना चाहेंगे तो फिर से 2 से डिवाइड देना होगा, 16 में 2 से डिवाइड दिए तो 8 हो गया, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए इस तरह से, इस लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं, अगर ये पावर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिनको हम डिक्रीज करना चाहेंगे तो प्रत्येक बार 2 से डिवाइड करना होगा। यदि फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 का पावर माइनस 1 तो 1 बाई 2 आ जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर टू टू दी पावर माइनस टू निकलेगा, यानी क्या निकल जाएगा 1/4। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी टर्म का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होगा, चाहे वो टर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यदि हम ये भी ले लेते हैं 1, 4, 5, 6, 7, 8 का पावर जीरो इज इक्वल टू वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।